Hi friends, myself Manav Saxena, Fitness Instructor. Dragon Part 3 में आपका स्वागत है. Last two videos में मैं इस opening को detail में समझा चुका हूँ. आज हम थोड़ा सा और आगे advance में जाएंगे. तो E4, C5, NF3, D6, D4, C cross D4, Knight cross D4, NF6, नाइट C3, G6. ड्रैगन में बिशप Fe2 से निकाला जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ. G6, बिशप E3, बिशप G7, F3. F3 का आइडिया भी ये है कि आफ्टर कैसलिंग ब्लैक नाइट G4 ना कर पाए, कि G4 करने के बाद वो हमारे इस अटैकिंग बिशप को कैप्चर कर सकता है और हमारे पॉन्स को डबल कर सकता है. इसलिए वाइट ने प्ले किया F3, कैसल, बिशप C4, नाइट C6. यहाँ वाइट की प्लानिंग होती है कि वो क्वीन साइड कैसल करे और ब्लैक के किंग साइड पर अटैक करे. उसके लिए वो क्या करेगा, क्वीन D2. ब्लैक ने खेला बिशप D7, क्वीन साइड कैसलिंग, Rc8. अब ये रुख इनडायरेक्टली प्रेशर दे रहा है बिशप C4 को, बिशप B3. अच्छा, अब ये व्हाइट के ये दो बिशप बहुत स्ट्रॉन्ग बिशप हैं, तो ब्लैक की कोशिश होती है कि इन दो बिशप में से एक बिशप को कैप्चर करें. और ब्लैक की भी कोशिश है कि वो व्हाइट की किंग साइड पर प्रेशर मेंटेन करें. तो ब्लैक ने मूव किया नाइट E5. आइडिया है नाइट को C4 पर लाने का. अब यहां जैसे कि व्हाइट का प्लान है H4 H5 पॉन इनटू पॉन करने का, उसके बाद बिशप H6 कैप्चर करके क्वीन को और H6 पे लाकर बेट करने की प्लानिंग. तो व्हाइट ने प्ले किया H4. यहां पर ब्लैक H5 मूव भी कर सकता है, व्हाइट के पॉन को और आगे नहीं आने देगा. और दूसरा मूव है नाइट C4. आइडिया है क्वीन पे भी अटैक है और बिशप को भी कैप्चर कर. तो ये व्हाइट के लिए ऑलमोस्ट कंपलसरी हो गया इस नाइट को कैप्चर करें. तो व्हाइट ने कैप्चर किया बिशप क्रॉस C4, ब्लैक ने किया रुक क्रॉस C4. अब यहाँ व्हाइट ने पॉन को सेक्रीफाइस किया. सेक्रीफाइस का एम ये है कि जिससे कि ये रुक ओपन हो जाए और व्हाइट को अटैक मिल जाए. ब्लैक ने कैप्चर किया नाइट से, पॉन से कैप्चर करना तो गलत है क्योंकि पॉन स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, किंग साइड वीक हो जाएगा. तो व्हाइट ने, ब्लैक ने किया नाइट क्रॉस H5, G4, नाइट F6. अब अपने प्लानिंग पे जाते हुए ब्लैक ने प्ले किया, व्हाइट ने प्ले किया बिशप H6. आइडिया सेम, पॉन बिशप इनटू बिशप देन क्वीन H6. तो यहां पर ब्लैक की तरफ से काउंटर मूव हो सकती है नाइट क्रॉस E5. और यहां पर ब्लैक को काउंटर प्ले मिल जाएगा, जैसे कि नाइट से हम कैप्चर करते हैं या पॉन से किसी से भी कैप्चर करते हैं तो रुक क्रॉस D4 हो जाएगा. अगर व्हाइट ब्लैक इस तरह की मूव नहीं चलता है, कोई काउंटर प्ले नहीं करता है, एक नॉर्मल मूव चलता है जैसे कि A6 या QA5, तो व्हाइट को एक स्ट्रॉन्ग अटैक मिल जाता है. अब व्हाइट यहां क्या कर सकता है, बिशप क्रॉस G7. ब्लैक ने किया किंग क्रॉस G7 एंड क्वीन H6 चेक, किंग G8. अब आप यहां वीडियो को पॉज कर दीजिए और सोचिए कि व्हाइट अब कैसे चेकमेट कर सकता है ब्लैक की. जैसा कि हम इस देख रहे हैं कि हम ये चेकमेट कर सकते थे अगर सॉरी हम क्यू क्रॉस H7 चेकमेट कर सकते थे अगर नाइट नहीं होता. तो आइडिया हमको मिल गया कि इस नाइट को यहां से डाइवर्ट करना है या रिमूव करना है, जिससे कि हम क्यू क्रॉस H7 चेकमेट कर पाए. तो हमको आइडिया मिलता है कि इस नाइट को हटाने के लिए नाइट D5, नाइट बिशप
h5 भी कर सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में ये नाइट 5 को ब्लॉक कर सकता है रुक की। तो बेटर ये भी मूव ठीक है, लेकिन बेटर मूव है नाइट d5। आइडिया क्लियर? नाइट क्रॉस f6 और क्यू क्रॉस h7 चेकमेट। अब ब्लैक की कोशिश ये होगी कि क्यू क्रॉस h7 चेकमेट ना हो, उसके लिए किंग के लिए स्पेस निकालना। तो मूव कर सकता है r8। अब अगर हम यहां पर नाइट इंटू नाइट कैप्चर करते हैं, ब्लैक पॉन कैप्चर करता है और हम क्वीन क्रॉस h7 करते हैं, तो किंग को निकलने का एक रास्ता मिल जाएगा। तो इस पे फिर वीडियो को आप पॉज करिए और सोचिए कि यहां व्हाइट को क्या करना चाहिए। अब यहां पर व्हाइट मूव कर सकता है g5। अब नाइट कैप्चर हो रहा है, तो नाइट के लिए कोई स्क्वायर ही नहीं है, ओनली नाइट h5। अब यहां पर हम अपने रुक रुक को नाइट के लिए सेक्रीफाइस दे सकते हैं, रुक क्रॉस h5 कैप्चर किया एंड देन नाइट f6 चेक कैप्चर किया ब्लैक ने, देन जी क्रॉस f6। अब इस चेकमेट को स्टॉप नहीं किया जा सकता। ब्लैक के लिए कोई भी यहां पर अच्छा मूव नहीं है। अगर ब्लैक रुक क्रॉस c2 करता है तो रुक सेक्रीफाइस हो जाएगा, देन नाइट क्रॉस c2। अब ये मेट अगेन ये मेट रुकता नहीं है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे व्हाइट ब्लैक पर अटैक कर सकता है अगर ब्लैक नॉर्मल मूव करता है। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि ब्लैक भी किस तरीके से काउंटर प्ले कर सकता है व्हाइट की किंग साइड पे और किस तरीके से अटैक करेगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।